This is Chop First Bite. Hello guys, welcome back to the channel. कैसे हैं सब? I hope सब अच्छे होंगे. और आप लोग को हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं प्लीज बताइएगा कमेंट्स में. और आज है सैटरडे और हम जा रहे हैं घूमने. कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे दिखाते हैं. टिल देन एंजॉय द व्यू. फिर हम आ गए थे ओल्ड लखनऊ. जैसा आप देख सकते हो रोड से पहचान जाएंगे आप अगर लखनऊ वाले हैं. लेफ्ट साइड पे आ गया इमामबाड़ा और सामने है बिल्कुल रूमी दरवाज़ा जो कि अभी पैसेज बंद था. बट हाँ, पहले जो कंस्ट्रक्शन था वो थोड़ा हो गया है बट आने जाने का रास्ता बंद था इस समय. तो ये देखिए इमामबाड़ा और सामने रूमी दरवाज़ा. गाइज हम लोग आए ओल्ड लखनऊ में चौक में. यहाँ पे हम मंदिर में दर्शन करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे. फिर हम आ गए थे चौक मेन चौराहे पे गोल दरवाजे के पास. आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक हो रहा था इस समय. सब तरफ गाड़ियाँ इधर उधर क्रॉस कर रही थी. बहुत मुश्किल से हम लोग को निकलने का चांस मिला. ये देखिए कितना ट्रैफिक हो रहा था यहाँ पे. यही चौराहे पे मलाई मक्खन और कुल्फी मिल रही थी बट यहाँ तो बिल्कुल ही जगह नहीं थी रुकने की. तो वी जस्ट वेंट अवे फ्रॉम हियर. वैसे इस एरिया में तो ट्रैफिक हर समय ही रहता है बट वीकेंड्स पे तो ज़्यादा रहता है. तो हम सैटरडे को गए थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था इस समय. बट इट्स वर्थ इट टू कम इन एनी डे ऑफ द वीक. सो इट्स वर्थ इट. सो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो कुनेश्वर मंदिर आ चुका है. कितना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड और लाइटेड है. और हम लोग यहाँ जाने के लिए आ चुके हैं. सो वी जस्ट पार्क द कार एंड वी आर ईगर टू गो. सो चलिए चलते हैं. ये मंदिर काफी हिस्टोरिकल भी है. बताया जाता है कि कुनेश्वर मंदिर लक्ष्मण जी के द्वारा आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बसाई गई थी. लक्ष्मणपुरी जो आज लखनऊ के नाम से जानी जाती है यह गोमती नदी के तट पर कौंडिन्य ऋषि का आश्रम था जिनका उल्लेख अनेक प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है. माँ सीता को वन में छोड़ने आए शोक सतपंत श्री लक्ष्मण जी गोमती तट पर स्थित इसी आश्रम में रुके थे जहाँ कौंडिन्य ऋषि ने अपने आश्रम में स्थापित शिवलिंग का अभिषेक एवं पूजन करने को कहा था. इस तथ्य का उल्लेख वाल्मीकि ऋषि ने अपने रामायण में भी किया है. बताया जाता है कि किसी भी मंदिर में शिवलिंग बीच में होता है लेकिन यहाँ पर बाबा कोने में विराजमान है. कहा जाता है कि कई बार भक्तों और पुजारियों ने बीच में भगवान की शिवलिंग को स्थापित करने की कोशिश भी की लेकिन शिवलिंग अपना स्थान बदलकर पुराने स्थान पर आ जाती थी. कौंडिन्य ऋषि द्वारा अपने आश्रम में स्थापित शिवलिंग को कौंडिन्य ऋषि महादेव के नाम से जाना गया जो कालंतार में सरल भाषा में कुनेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है. प्रत्येक सोमवार को मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है जिसमें दूर दराज से लोग शिवलिंग पर जल अर्पित करने आते हैं. कहते हैं जो भी भक्त 40 दिन नियम अनुसार शिवलिंग पर जल अभिषेक करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. मंदिर में भगवान शिव के अलावा और भी देवी देवता की पूजा आराधना होती है. शिवलिंग की सफाई भी हो रही थी शाम को. इस समय आप देख सकते हो काफ़ी लोगों ने पूजा करके और चढ़ावा चढ़ाया था. फिर मैं गणेश जी के चरणों में और शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने के लिए आया. ऐसा माना जाता है कि गणेश जी के चरणों पर चंदन चढ़ाने से अपार कृपा रहती है गणेश जी की और शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से बड़ी बीमारी से राहत मिलती है. और ये देखिए शिवलिंग के अंदर का व्यू और यहाँ पे और भी देवी देवता हैं अंदर. शिवलिंग कितना साफ हो गया है और फिर से पूजा होगी अब शिवलिंग की. कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव. और मंदिर में प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को माखन और मिश्री दी जा रही थी क्योंकि कृष्ण जी की छठी थी आज के दिन. जैसा आप देख सकते हो कितना ही सुंदर लग रहा था और हम लोग ने जब खाया प्रसाद तो बहुत ही स्वादिष्ट था. एक बार और मंदिर के दर्शन कर लीजिए क्योंकि अब हम जा रहे हैं बड़ी काली माता के मंदिर.
जो कि कुनेश्वर मंदिर से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रही मंदिर के बाहर की दुकानें और ये है एंट्री पैसेज। लखनऊ के चौक इलाके में बड़ी काली जी का मंदिर, जिसकी स्थापना गुरु शंकराचार्य द्वारा 2000 पहले की गई थी। मंदिर की मान्यता है कि जो भक्त 40 दिन माँ की आरती में शामिल होते हैं, उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और यही वजह है कि दूर दराज से भक्त माँ भागवती के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर का रोचक इतिहास, लखनऊ का एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि जब मुगलों द्वारा मंदिर को तोड़ा जा रहा था, तब लखनऊ के काली मंदिर में भी मुगल हमला करने वाले थे, जिसके बाद मंदिर के पुजारी ने मां काली की मूर्ति को एक कुएं में डाल दिया था, जिससे कि मुगल मूर्ति को खंडित ना कर सके। उसके बाद उन्हीं पुजारी के सपने में आया कि वह मूर्ति कुएं से निकाली जाए। जब लोगों द्वारा मूर्ति को निकाला गया, उसका स्वरूप ही अलग मिला। कुएं में डाली थी काली माँ की मूर्ति और निकली विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति। ये सुनकर आपको काफी आश्चर्य भी होगा, लेकिन मान्यता यही है कि जिस कुएं में माँ काली की मूर्ति को छिपाया गया था, जब उस कुएं से मूर्ति निकाली गई तो काली माता की मूर्ति की जगह विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति निकली, जिसके बाद मंदिर में उसी मूर्ति की पूजा अर्चना होने लगी। माँ काली के रूप में ही होती है विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा, मंदिर के पुजारी की माने तो। इस मंदिर में विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्ति को भी माँ काली की ही मूर्ति मानकर पूजा जाता है। जैसा कि आपने पहले भी देखा और अभी देख रहे हैं, मंदिर में काफी शिवलिंग स्थापित हैं और यहाँ पे माना जाता है कि बजरंगबली जी और भैरव जी मंदिर की रक्षा करते हैं, तो रात में वहाँ पे उनकी चौखट पे ताला नहीं लगाया जाता है। दर्शन करने के बाद हम लोग वापस चल दिए। ये देखिए सीढ़ियाँ, माता के दर्शन करने के बाद अब हमको लगी थी भूख, तो अब टाइम था पेट पूजा का। तो हम लोग अब जा रहे थे जगदीश चाट कॉर्नर, तो चलिए चलते हैं, राइड एंजॉय करिए, फिर अब पहुँचते हैं चाट कॉर्नर पे। चाट कॉर्नर पे आते ही सबसे पहले हमने दही के बताशे खाए और सबने बारी बारी खाए। सबसे पहले मम्मी ने खाया, उनको बहुत अच्छे लगे। उसके बाद क्यारा जी ने खाया, आप देख सकते हो, एंड उनको भी अच्छे लगे थे। उसके बाद मैंने खाया, मेरे को भी ओके लगे। तो रिव्यू फॉर दही बताशे वाज 5 out of 3.5। फिर आई बारी पानी के बताशे की, जो कि मैंने और क्यारा जी ने एक प्लेट खाई और हमको एवरेज ही लगी। फिर मम्मी ने खाई थी दही बड़े, मम्मी को एवरेज ही लगे, ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे। मैंने खाई थी ड्राई चाट आलू की टिक्की वाली, और फिर क्यारा जी ने खाई थी चाट दही चटनी वाली, उनको दही चटनी वाली चाट भी एवरेज ही लगी। जो टेस्ट पहले था वो इस बार नहीं आ रहा था, तो इट वॉज ओके। फिर हम आए थे चौक के बहुत ही मशहूर वेज कॉर्नर पे, जो कि कुनेश्वर मंदिर से पहले पड़ता है, और यहाँ पे प्योर वेज फूड मिलता है और सब तरीके का फूड मिलता है, मेजरली सोया चाप और कबाब्स, दाल के कबाब एंड पराठे, रुमाली रोटी और ग्रेवी के आइटम्स भी मिलते हैं। इनका नॉर्मल वेज कबाब 18 रुपए का है और गुलाबट कबाब वेज जो कि है 35 रुपीज़ का, ये वाला देख सकते हैं आप। और अभी ये रोल बनाने जा रहा है और देखिए कैसे रोल बनाते हैं। इधर पराठे सिक रहे हैं, काफ़ी टेम्पटिंग है जी, और टेस्टी भी है। लेकिन काफ़ी फूड यहाँ का आप ज़रूर ट्राई करिए अगर आप जाते हैं ओल्ड लखनऊ चौक साइड पे। यहाँ का फूड रिव्यू मैं घर पहुँच के दूंगा, तब तक आप फूड का व्यू इन्जॉय करिए। फिर हमारा वापस जाने का टाइम हो चुका था, ये देखिए वापस रूमी दरवाजे की साइड आ गए थे हम लोग। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं घर वापस, और आई होप आपको यहाँ तक का ब्लॉग अच्छा लगा हो, और बाकी हम रिव्यूज़ घर जाकर देंगे। और
और मंदिर के दर्शन आई होप आपको अच्छे लगे हो। चलिए चलते हैं, रास्ते का व्यू एंजॉय करिए तब तक। सो गाइज, ये वेज कॉर्नर से लिया था हम लोग ने। ये है वेज कबाब, दिस इज चाप, एंड ये कॉन्डिमेंट्स हैं जो ग्रेवी देते हैं वो, और ये हरी चटनी है जो कि मैंने अनियंस में डाली है, और ये एक्स्ट्रा अनियन विद लेमन्स, और पराठा। विदाउट कबाब पराठा के मज़ा है ही नहीं गाइज। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं। सो गाइज, फर्स्ट बाइट हम लेंगे पराठे की विद दी कबाब। एक मिनट, कबाब अब लेते हैं गाइस। फर्स्ट बाइट, थोड़ा सा ग्रेवी लगा लेता हूँ। थोड़ा स्पाइसी कबाब बट टेस्टी बहुत है, और हम लोगों ने काफी टाइम पहले खाया था तो दिस टाइम ऑल्सो टेस्ट सिमिलर ही है, बहुत अच्छा टेस्ट है। अब हम चाप को ट्राई करेंगे। चलिए सेकेंड बाइट हम खाएंगे विद द चाप। काफ़ी लटपटी है गाइस, इसको मैं निकाल लेता हूँ एक बाइट के लिए। सो ये बाइट बन गई है, इस पर थोड़े अनियंस डाल लेते हैं। वेट गाइस, मैं टेस्ट का मजा ले रहा था गाइस, बहुत ही टेस्टी है, यमी फ्लेवर आ रहा है बिल्कुल, और विद द ग्रेवी इट्स चेरी ऑन द टॉप। सो बहुत ही अच्छा रिव्यू है मेरी तरफ से वेज कॉर्नर का, विद द कबाब्स, ग्रेवी एंड द चाप। सो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर आपको अच्छा लगे और ट्राई करें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपने पहले ट्राई किया हो तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं मील पूरी करता हूँ फिर मिलता हूँ आपको। सो गाइज, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज हम लोग मंदिर गए और जगदीश चाट से हम लोग ने चाट खाई, बताशे खाए, और उसके बाद हम लोग ने वेज कॉर्नर से सोया चाप खाई। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। हम लोग ओल्ड लखनऊ का एक्सप्लोर करा हमने सब कुछ, और मंदिर के दर्शन किए, और हम लोग ऐसे ही एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें। आप बने रहिएगा ऐसे ब्लॉग में, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग फिर से जाएंगे ऐसे ही पुराने लखनऊ, और भी चीज़ें एक्सप्लोर आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।